दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर में कैसे किया जाता है और ये क्या होता है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन हमें 3 फेज AC में ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं, मैंने एक 3 फेज AC का वेवफॉर्म बनाया है। इसमें 3 अलग अलग कलर से अलग अलग फेज़ को मैंने दर्शाया है। एक होता है आपका फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 होता है, जो कि मैंने A, B और C से दर्शाया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, स्टार कनेक्शन मतलब हम पहले 3 कॉइल लेते हैं, तो इन 3 कॉइल का ना कोई भी एक एंड को हम एक ही पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसे हम न्यूट्रल कहते हैं। और इसमें 3 अलग अलग फेज होती है, जो कि 3 अलग अलग कॉइल से निकलती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 3 कलर का कॉइल रखा है, जिसमें कि फेज़ A आ रहा है जो कि रेड कलर से, फेज़ B येलो कलर से और फेज़ C आपका ब्लू कलर से। तो इसमें ना कुछ जानने की चीज़ें होती है, जैसे कि आपका जो स्टार कनेक्शन में होता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है और इसमें टोटल 4 वायर्स होते हैं। तो ये एक मतलब थ्री फेज और 4 वायर सिस्टम है। तो इसमें ना जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जो न्यूट्रल से लेकर अगर आप कोई भी फेज पे वोल्टेज चेक करोगे ना, तो उसे लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कहते हैं। तो ये VAN, VBB, BN और VCN, ये जो है ना, ये फेज लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है। दबिए वाला वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है। और दोस्तों, एक और वोल्टेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज, यानी कि दो फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे हम कहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज, यानी कि VAB, VBC और VCA, इसे हम लोग कहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। इसे हम VLL से मतलब डिनोट करते हैं और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को हम लोग VLN से डिनोट करते हैं। और दोस्तों, ये जो 3 कॉइल्स होते हैं ना, इनके बीच में फेज डिफरेंस मतलब 120 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री अपार्ट में ये सब रहता है, ये तीनों के तीनों। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि करंट के बारे में। तो दोस्तों, जो मतलब लाइन टू लाइन करंट होता है ना, वो इक्वल टू होता है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज में। मतलब यहाँ के करंट सेम होता है, लाइन टू न्यूट्रल करंट और लाइन टू लाइन करंट जो कि इक्वल रहता है, लेकिन इसमें वोल्टेज सेम नहीं रहता है। जो आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है ना, वो √3 टाइम्स लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हो जाता है। आप लोग अभी देख सकते हैं, VLL इक्वल टू √3 × VLN, यानी कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप ILL को 1 एम्पियर लेंगे तो आपका ILN भी 1 एम्पियर ही होगा, लेकिन अगर आप VLN को 230 वोल्ट लेंगे तो आपका VLL जो कि 400 वोल्ट आएगा। यानी कि अगर आपका लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज 230 वोल्ट का है, तो आपका दो फेज के बीच में जो वोल्टेज आएगा ना, वो 400 वोल्ट का आएगा। तो ये होता है स्टार कनेक्शन। अभी बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। डेल्टा कनेक्शन का मतलब जो ये तीनों कॉइल है ना, इन तीनों के सिरों को आपस में जोड़ देना है, यानी ये एक ट्राइंगल का शेप लेगा। मतलब कि हर एक कॉइल के एंड को दूसरे के साथ जोड़ के एक ट्राइंगल बनाना है, इसे कहते हैं हम लोग डेल्टा कनेक्शन। क्योंकि ये ना एक लेटर डेल्टा की तरह मतलब डिनोट करता है, ये ट्राइंगल असल में एक डेल्टा लेटर होता है। तो इसमें भी हम लोग 3 फेज में यूज़ करते हैं, तो इसमें ना लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज नहीं होता। तो डेल्टा कनेक्शन में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, सिर्फ 3 फेज लाइन होते हैं। तो इन फेज लाइन को आप लाइन टू लाइन वोल्टेज ही बोलते हैं, जैसे कि पिछले में था, स्टार कनेक्शन में था, तो ये सेम रहेगा। लेकिन इसमें ना थोड़ा इक्वेशन में चेंज आता है। यहाँ का जो लाइन टू लाइन करंट है ना, वो √3 टाइम हो जाता है IZ के बारे में। तो IZ जो होता है ना, वो होता है करंट इन ईच लाइन। मतलब कि हर एक लाइन में जो करंट जाएगा ना, वो टोटल इन मतलब एक लूप से वो जो करंट जाएगा उसका मतलब √3 इंटू करना पड़ेगा। मतलब ये जो टोटल करंट जा रहा है ना इधर से घूम के, ये हर एक इंडिविजुअल का √3 होगा। मतलब कि अगर एक लाइन से जा रहा है IZ, तो टोटल जो करंट जाएगा ना एक लूप से, तो वो हो जाएगा √3 × IZ। और इसमें ना वोल्टेज सेम रहेगा, मतलब हर एक फेज का बीच का वोल्टेज सेम रहेगा। जैसे VAB, VAC और VBB, ये तीनों वोल्टेज ना सेम रहता है, जिसे हम VLL कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप IZ है 1 एम्पियर, मतलब हर एक लाइन से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अगर हम दो फेज के बीच में करंट चेक करेंगे ना, तो ये आपका 1.73 एम्पियर होगा। यही होता है इस फॉर्मूला से, लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। मतलब हर दो फेज के बीच में 230 वोल्ट ही रहेगा। तो 230 वोल्ट मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ, ये कोई भी वोल्टेज हो सकता है, मेन बात यह है कि वोल्टेज सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के दिया है, इसमें आप देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। तो पहला आता है आपका स्टार कनेक्शन, फिर आता है डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में का डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है और डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है। तो पहला पॉइंट यह है कि 1 एंड ऑफ 3 कॉइल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब कोई भी एक
मतलब एंड को तीनों को साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कि हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो स्टार कनेक्शन में दिया इज ए न्यूट्रल पॉइंट इन स्टार कनेक्शन, और इसे ना स्टार पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन जनरली हम लोग न्यूट्रल ही बोलते हैं। तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, और ये जो है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसमें तीन फेज है लेकिन इसमें चार वायर निकला हुआ है न्यूट्रल के साथ। और इसका जो करंट और वोल्टेज का इक्वेशन है मैंने यहाँ पर दे दिया है, मतलब आई एल एल इज इक्वल टू आई एल एन एंड वी एल एल इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू वी एल एन। और इसका जो पावर का फॉर्मूला होता है ना वो होता है पी इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू वी एल एल इंटू आई एल एल। तो ये होता है इसका पावर का फॉर्मूला। और इसका जो यूज़ होता है ना, ये आपका बहुत डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में काम आता है, मतलब जहाँ से ट्रांसमिशन आपके मन में वोल्टेज भेजता है और आपके घर के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है उसमें, दोनों में ये काम आता है। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो इसमें ना ईच एंड ऑफ थ्री कॉइल्स आर कनेक्टेड विद वन अदर, मतलब हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा जो कि एक ट्राइंगल का शेप लेगा, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो इसमें ना कोई न्यूट्रल नहीं होता, देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। इसमें ना आपका थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है, मतलब कि इसमें तीन फेज होते हैं और तीन ही वायर होते हैं, तीन से ज़्यादा वायर इसमें नहीं होते। और इसका जो वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, आई एल एल इजिकल टू रूट थ्री इंटू आई जेड एंड वी एल एल इजिकल टू वी ए बी इजिकल टू वी ए सी इजिकल टू पी बी बी। और इसका जो पावर का फॉर्मूला था ना वो भी सेम ही रहता है, इसका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट थ्री इंटू वी एल एल इंटू आई एल एल, मतलब दोनों में ना पावर सेम रहता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दोनों कनेक्शन में पावर सेम ही रहेगा। और इसका जो यूज़ होता है ना, यह काफ़ी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली ट्रांसफार्मर में चार तरह के कनेक्शन पाए जाते हैं। तो पहला होता है आपका स्टार टू स्टार कनेक्शन, फिर आता है आपका स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, फिर आता है आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन, फिर आता है आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो जो आपका स्टार स्टार कनेक्शन होता है इसे काफ़ी मतलब लो मतलब काफ़ी कम डिस्टेंस के लिए हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, मतलब कि ज़्यादा दूर दूर ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है तब इसका यूज़ किया जाता है। और जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन है ना, ये आपका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक आप वोल्टेज को ट्रेवल करा सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब आउटपुट में कोई न्यूट्रल नहीं है तो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। तो डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है, जैसे आपके घरों में जो बिजली आती है उसमें एक न्यूट्रल लगा होता है, तो वो न्यूट्रल यहीं से आता है। तो एक फेज़ आपको मिल गया, एक न्यूट्रल आपको मिल गया, एक फेज़ आपको मिल गया, एक फेज़ आपके पड़ोसी को मिल गया, एक न्यूट्रल मतलब यही न्यूट्रल आपके पड़ोसी को भी मिलेगा। तो ये मान लीजिए आपके दूसरे पड़ोसी को मिला और यही न्यूट्रल उसको भी मिलेगा। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर काम करता है। और जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर है ना, ये मतलब स्टार डेल्टा कनेक्शन की तरह है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने वोल्टेज को भेज सकता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ डेल्टा है, कभी भी कोई न्यूट्रल नहीं है, मतलब डायरेक्ट इसमें तीन तीन फेज आएंगे इधर से और तीन फेज इधर से जाएंगे। तो इससे ना काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक मतलब वोल्टेज को भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और एक ट्रांसफार्मर में कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है कनेक्शन की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।